गोरखपुर में बहुत कुछ दिख रहा है, रामगढ़ ताल से लेके सड़कों की समस्या भी ठीक हो गई, सब कुछ ठीक हो गया। पार्षद भी आपके हैं, मतलब नगर निगम भी आपका है, सांसद जी भी आपके हैं, बीजेपी के हैं, विधायक जी खुद मुख्यमंत्री हैं, उसके बावजूद आप कई गलियों में जाएंगे, कई मोहल्लों में जाएंगे, पानी से पूरा नाली बिलबिला रहा है, तो इसका कारण क्या है? जबकि दूसरी बार का कार्यकाल है, मुख्यमंत्री जी का जिला है, योगी और मोदी को पसंद कर रहा है, लेकिन जैसे ही प्रत्याशियों की बात आ रही है नकार दे रहे हैं। 370 उस संकल्प को भी अयोध्या के अंदर प्रभु श्री राम के भव्य 370 मंदिर बनाने का हट काम गया, पूरा हुआ। अयोध्या में मंदिर बन गया, इसलिए भारतीय जनता पार्टी जो जो अयोध्या संकल्प मंदिर किया, बन गया, लेकिन बीजेपी ने एक और संकल्प लिया था रोजगार को लेकर, लेकिन युवा सड़क पर ना, है। ना रोजगार भी दिया गया, वहां सम्मान भी दिया गया। और इसी देश के अंदर बहुत सारे ऐसे गरीब परिवार होते थे जो अपने परिजन को तड़पते हुए देखते थे, खेती बिक जाती थी, घर की महिलाओं के जेवर बिक जाते थे, लेकिन किसी ने सोचा नहीं आयुष्मान भारत निकाल करके 5 लाख रुपए तक दवा देने का काम मोदी जी के नेतृत्व में हुआ है। 5 किलो राशन देकर जो है जनता को सरकार ठग रही है, बीजेपी के लोग ठग रहे हैं। ये विपक्ष के पास कोई मुद्दा नहीं है। मैं कहता हूं पहले जो देश के अंदर महामारी आती थी ना, इसी देश के अंदर पोलियो का टीका नहीं आया, 105 वर्ष आ पाया, जापान में विकसित हुआ था, 105 वर्ष आया था। इसी देश भर में बहुत सारे ऐसी बीमारियों के वैक्सीन नहीं आते थे, लेकिन पहली बार ऐसा हुआ। अभी जब कोई महामारी आती थी तो महामारी की दवा से लोग नहीं, भूख से बहुत लोग मर जाते थे। पहली बार ऐसा हुआ कि 50 दिन का लॉकडाउन मोदी जी ने लगाया था, और कोरोना के वैश्विक महामारी में, क्यों? क्योंकि हमारे पास पीपीई किट या अन्य उपकरण नहीं थे। आनंद फैशन, अ कंप्लीट लेडीज शॉप जहां आपको मिलेगा सूट, कुर्ती, लहंगे, डिजाइनर और फैंसी साड़ियों की बेहतरीन कलेक्शन, वो भी बिल्कुल आपकी रेंज में। तो देर किस बात की, एक बार जरूर विजिट करें आनंद फैशन शॉप। हमारा पता है गीता प्रेस रोड, निकट माया टॉकीज। नंबर है 7054225635। नमस्ते, मेरा नाम आयुष है और आप देख रहे हैं गोरखपुर लाइव। हमारे बगल में बीजेपी के प्रदेश उपाध्यक्ष और वर्तमान में MLC डॉक्टर धर्मेंद्र सिंह जी। धर्मेंद्र जी, स्वागत करेंगे आपका। बहुत बहुत धन्यवाद। सवालों पर आते हैं, 24 का चुनाव है, मुद्दा बहुत गर्म है, बहुत सारे ज्वलंत मुद्दे हैं, लेकिन मुद्दा ही पूछ रहा हूँ, क्या मुद्दा है? भारतीय जनता पार्टी का विकास का मुद्दा है। भारतीय जनता पार्टी ने प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में 10 वर्षों में विकास का एक मानक खड़ा किया है, एक नए भारत का स्वरूप खड़ा किया है, दुनिया के शक्तिशाली राष्ट्रों की कतार में भारत को खड़ा किया है, और इसलिए विकास और आस्था के केंद्रों का सम्मान ये हमारा मुद्दा है। गोरखपुर में बहुत कुछ दिख रहा है, रामगढ़ ताल से लेके सड़कों की समस्या भी ठीक हो गई, सब कुछ ठीक हो गया। पार्षद भी आपके हैं, मतलब नगर निगम भी आपका है, सांसद जी भी आपके हैं, बीजेपी के हैं, विधायक जी खुद मुख्यमंत्री हैं, उसके बावजूद आप कई गलियों में जाएंगे, कई मोहल्लों में जाएंगे, पानी से पूरा नाली बिलबिला रहा है, तो इसका कारण क्या है? जबकि दूसरी बार का कार्यकाल है, मुख्यमंत्री जी का जिला है। देखिए, 2017 के पहले का गोरखपुर अगर आप देखेंगे तो एक BRD मेडिकल कॉलेज के लिए गोरखपुर में संघर्ष होता था। एक ओवर ब्रिज अपने पास था, यहाँ पर ओवर ब्रिज नहीं थे, 4 लेन कनेक्टिविटी नहीं थी, और विकास का कोई भी मानक नहीं था। BRD मेडिकल कॉलेज पर रोज MCI की तलवार लटकती थी कि कब इसकी इसकी मान्यता समाप्त हो जाए। कई बार तत्कालीन सांसद योगी आदित्यनाथ जी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी ने मेडिकल कॉलेज से लेकर के मंडलायुक्त कार्यालय पर धरने दिए थे। विकास का कोई मानक नहीं, विकास के साथ लगातार गोरखपुर के साथ भेदभाव किया गया। लेकिन मैं कह सकता हूँ कि 7 वर्षों में प्रधानमंत्री मोदी जी के मार्गदर्शन में, योगी आदित्यनाथ जी के नेतृत्व में 7 वर्षों में जो विकास हुआ है, 70 वर्षों के विकास पर भारी है। आज गोरखपुर में, गोरखपुर से देवरिया हो, गोरखपुर से कुशीनगर हो, गोरखपुर से वाराणसी हो, गोरखपुर से लखनऊ हो, गोरखपुर से खजनी होते हुए पूर्वांचल एक्सप्रेसवे लखनऊ हो, या गोरखपुर से नौतनवा हो, गोरखपुर से महाराजगंज हो, या गोरखपुर एयरपोर्ट से जंगल कौड़िया होते हुए 4 लेन कनेक्टिविटी के साथ बाईपास मार्ग हो, और या गोरखपुर के अंदर, ये पहला शहर है जो गोरखपुर शहर के अंदर भी बहुत सारी सड़कें 4 लेन कनेक्टिविटी से जुड़ी हैं। एक विकास का नया मॉडल खड़ा हुआ है। यहाँ गोरखपुर में पंडित राम प्रसाद बिस्मिल के स्मारक को भव्य बनाने का काम हुआ है, वहीं
अशफाकुल्ला खां के नाम से चिड़ियाघर भी बनाया गया है। गोरखपुर में रामगढ़ ताल आज दर्शनीय स्थल है, देखने के पर्यटक स्थल है। जैसे मुंबई में जूहू चौपाटी है, वैसे गोरखपुर में रामगढ़ ताल है। विकास का एक नया मॉडल गोरखपुर में खड़ा हुआ है, और इसलिए मैं कह सकता हूँ कि विकास एक अनवरत चलने वाली प्रक्रिया है। लेकिन 70 वर्षों में जो विकास नहीं हुआ होगा, वो विकास गोरखपुर में हुआ है। विकास की बात कर रहे हैं आप, क्षेत्रीय अध्यक्ष भी रहे हैं, प्रदेश उपाध्यक्ष भी हैं वर्तमान में। हम लोग बसों में यात्रा कर रहे हैं, कई बार जा रहे हैं, चुनावी कवरेज कर रहे हैं। लोग योगी और मोदी को पसंद कर रहे हैं, लेकिन जैसे ही प्रत्याशियों की बात आ रही है नकार दे रहे हैं, इसका कारण क्या है? देखिए, 10 वर्षों में मैं कह सकता हूं कि भारतीय जनता पार्टी ने एक आइडियोलॉजी के आधार पर, एक विचारधारा के आधार पर, भारतीय जनता पार्टी एकमात्र ऐसी पार्टी है जिसके कार्यकर्ता दिन रात तपस्या करते हुए काम करते हैं, बिना कुछ लिए केवल सम्मान के लिए काम करते हैं, देश के लिए काम करते हैं। कोरोना की वैश्विक महामारी में आप देखेंगे तो सब लोग डरे हुए थे, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता भोजन पैकेट से लेकर के सब कुछ सड़कों पर उतर करके, और उसमें हमारे बहुत सारे कार्यकर्ता कालकौलित भी हो गए। मैं कह सकता हूं कि जो 5 वर्षों तक लगातार भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ता अनवरत काम करते हैं, ये केवल प्रत्याशी के आधार पर नहीं, कार्यकर्ता भारतीय जनता पार्टी का प्रत्याशी कमल का फूल है। और देश के लिए जो काम कर रहे हैं मोदी जी, और प्रदेश के लिए कानून व्यवस्था का राज स्थापित करने का काम योगी जी के नेतृत्व में हुआ है, ये हमारे लिए रोल मॉडल। संसद में प्रत्याशी ही तो जाता है, जो प्रत्याशी बनता है वो सांसद होता है, सांसद जब होता है तो वो जनता की बात रखता है, जनता की बात ही नहीं रख पा रहे हैं लोग। जनता का आरोप है, जनता कह रही है योगी मोदी को हम पसंद करते हैं, हम वोट भी करेंगे, जो भाजपा मानसिकता के, बीजेपी के मानसिकता के लोग हैं, लेकिन वही लोग कह रहे हैं हमारे प्रत्याशी खराब है। देखिए, कांग्रेस पार्टी इस देश में लंबे समय तक काम की, श्रीमती इंदिरा गांधी जी ने भी गरीबी हटाओ का नारा दिया था, कई समाजवादी पार्टी, कई पार्टियों ने कहा था कि हम जो है स्वच्छता अभियान को घर घर शौचालय बनाएंगे, लेकिन किसी ने उन काम को नहीं पूरा किया। लेकिन एकमात्र विचारधारा के आधार पर चलने वाली पार्टी है जो 1953 में डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी के बलिदान के बाद भारतीय जनसंघ ने संकल्प लिया था, जब कभी हम सत्ता में आएंगे और बहुमत के आधार पर आएंगे तो भारत जो कश्मीर से 370 धारा हटाएंगे। और इन्हीं सांसदों के आधार पर जब हम बहुमत में गए, पहली बार हम बहुमत में नहीं आए थे राज्यसभा में, लेकिन 2019 में जब मोदी जी दूसरी बार आए तो हम राज्यसभा में भी बहुमत में थे और लोकसभा में भी बहुमत में थे। तो जम्मू कश्मीर की मुख्यमंत्री महबूबा मुफ्ती चैलेंज करती थी कि यदि कोई धारा 370 हटा देगा तो पूरा देश जल उठेगा, लेकिन उसी बहुमत का परिणाम था कि 1953 में जो वायदे किए थे भारतीय जनसंघ ने, 5-5 पीढ़ियों ने लगातार जो वायदे किए थे उसको एक लाइन में हमारे गृह मंत्री अमित शाह जी ने संसद के अंदर कहा कि आज से धारा 370 समाप्त, 5 अगस्त 2019 को, और धारा 370 समाप्त हो गई, 370 हट गया। 5 सदी जी तक जो आंदोलन था, 5 सदी तक 77 बार लड़ाइयां लड़ी गई, 3.5 लाख राम भक्तों ने कुर्बानियां दी, 370 उस संकल्प को भी अयोध्या के अंदर प्रभु श्री राम के भव्य मंदिर हट गया, पूरा हुआ, अयोध्या में मंदिर बन गया, इसलिए भारतीय जनता पार्टी जो जो संकल्प मंदिर बन गया। लेकिन बीजेपी ने एक और संकल्प लिया था रोजगार को लेकर, लेकिन युवा सड़क पर, मैं वही बात कह रहा हूँ, हमारे पंडित दीनदयाल जी उपाध्याय ने 1967 में कहा था कि बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर ने जो संविधान बनाया है उसमें उनका सपना है कि जो समाज के आखिरी पायदान पर खड़ा हुआ व्यक्ति है, जब तक वो नहीं ऊपर उठेगा तब तक भारत आगे नहीं बढ़ेगा। उस संकल्प को इस देश में किसी ने पूरा नहीं किया, उस संकल्प को किसी ने पूरा किया तो नरेंद्र मोदी जी ने उस सब गरीब कल्याण, 4 दर्जन से अधिक गरीब कल्याणकारी योजनाओं को धरती पर उतार करके उस संकल्प को पूरा करने का काम मोदी जी के नेतृत्व, जहां रोजगार भी दिया गया वहां सम्मान भी दिया गया। और इसी देश के अंदर बहुत सारे ऐसे गरीब परिवार होते थे जो अपने परिजन को तड़पते हुए देखते थे, खेती बिक जाती थी, घर की महिलाओं के जेवर बिक जाते थे, लेकिन किसी ने सोचा नहीं आयुष्मान भारत निकाल करके 5 लाख रुपए तक दवा देने का काम मोदी जी के नेतृत्व में हुआ है। इस प्रकार बहुत सारे ऐसे काम हुए हैं जो देश के अंदर रोजगार खड़ा करने का काम हो, 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट के माध्यम से बहुत सारे ऐसे लोगों को उनको अपने पैरों पर खड़ा करने का काम या रोजगार देने का काम भी जितना मोदी जी के नेतृत्व में हुआ उतना कभी नहीं हुआ। आपको नहीं लगता कि मोदी जी के लिए एक और चैलेंज है महंगाई, शिक्षा, रोजगार,
अगर अगर गहनता पूर्वक देखेंगे तो पहली बार ऐसा हुआ है। मैं आपको उदाहरण के तौर पर दे सकता हूं कि उत्तर प्रदेश के अंदर 19 कमिश्नरी है, 18 कमिश्नरी में अटल आवासीय विद्यालय बने हैं, जहां ऐसे जैसे जो मजदूर हैं जो आज गोरखपुर में मजदूरी करते हैं, कल वो जा करके गोंडा में मजदूरी करते हैं, उनके बच्चे पढ़ नहीं पाते थे, उनके बच्चों को निःशुल्क पढ़ाने का काम, या कोरोना की वैश्विक महामारी में जिनके माता पिता चल बसे कोई नहीं है, उन बच्चों को फ्री में पढ़ाने का काम अटल आवासीय विद्यालय के नाम से पूरे प्रदेश में और पूरे देश में स्थापित करने का काम ये मोदी जी के नेतृत्व में, ऐसे बहुत सारे ऐसे प्रकल्प चल रहे हैं जो लोगों को नहीं पता है, ये कभी नहीं हुआ था जो अब हो रहा है। और विपक्ष के लोग तो कह रहे हैं 5 किलो राशन देकर जो है जनता को सरकार ठग रही है, बीजेपी के लोग ठग रहे हैं। ये विपक्ष के पास कोई मुद्दा नहीं है। मैं कहता हूँ पहले जो देश के अंदर महामारी आती थी ना, इसी देश के अंदर पोलियो का टीका नहीं आया, 105 वर्ष आ पाए, जापान में विकसित हुआ था, 105 वर्ष आया था। इसी देश भर में बहुत सारे ऐसी बीमारियों के वैक्सीन नहीं आते थे, लेकिन पहली बार ऐसा हुआ। अभी जब कोई महामारी आती थी तो महामारी की दवा से लोग नहीं, भूख से बहुत लोग मर जाते थे। पहली बार ऐसा हुआ कि 50 दिन का लॉकडाउन मोदी जी ने लगाया था और कोरोना की वैश्विक महामारी में, क्यों? क्योंकि हमारे पास पीपीई किट या अन्य उपकरण नहीं थे तैयारी के लिए। मोदी जी को लगा कि 50 दिन में ऐसे ठेला चलाने वाले, खोमचा चलाने वाले, छोटे छोटे व्यापार करने वाले, वो गरीब, उनका व्यापार तो सब ठप हो जाएगा 50 दिन में, उनके परिवार के लोग भोजन क्या करेंगे, रोज कमाते रोज खाते हैं, भूख से मौत ना हो, इसलिए उन्होंने 80 करोड़ लोगों को निःशुल्क राशन देने का काम किया, जो आज तक हम दवा भी दिए हमने और भूख से मौत भी नहीं हो। ये काम पहली बार मानवता के आधार पर किसी ने किया, प्रधानमंत्री ने तो मोदी जी ने किया। डॉक्टर साहब, अपने गोरखपुर लाइव से बात की, इसलिए बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद।